हेलो एवरीवन। तो लास्ट कुछ क्लासेस से हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट बीटा गामा फंक्शन, द रिलेशनशिप अबाउट देम एंड कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। तो इस वीडियो में भी हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बीटा फंक्शन में हमने एक रिलेशन डिस्कस किया था, दैट इज 0 to π/2 sin²(2m−1) थीटा cos²(2n−1) थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा एम एन अपॉन 2। और बीटा और गामा के रिलेशन से हम क्या निकालते हैं, दैट इज गामा एम गामा एन अपॉन 2 गामा एम प्लस एन। ओके, तो इस रिलेशन में हम क्या करेंगे, जो 2n-1 है उसको हम 0 पुट कर देंगे। तो लेट 2n-1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये दोनों इस पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगा, 0 to π/2 sin²(2m−1) थीटा और cos²(2n−1) है तो उसकी जगह पे 0 लिख देंगे, तो cos²(0 थीटा एंड डी थीटा। सेम गामा एम एज इट इज रहेगा, एन के जगह पे हो जाएगा गामा 1/2 इंटू या डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या है, एम प्लस एन, एन के जगह पे 1/2। पावर्स में क्या होता है, anything²(0=1। तो यहाँ पे कॉस थीटा के पावर में 0 है सो उसके वैल्यू 1 हो जाएगा। 0 to π/2 sin²(2m−1) थीटा cos²(0 दैट इज 1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे नहीं उसको, डी थीटा इज इक्वल टू गामा के रिलेशन में हमने पढ़ा था कि गामा 1/2 इज इक्वल टू √π। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे यूज होगा तो इसको ऑलवेज याद रखना है। यहाँ पे देखो गामा 1/2 है तो हम उसको लिख सकते हैं √π/2 गामा एम प्लस 1/2। ठीक है, ये जो हमने डिराइव किया है इसको हम इसके सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे या यूज करेंगे, बट उससे पहले और एक डेरिवेशन हमें करना होगा। ओके, सपोज फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है, लेट दैट बी इक्वेशन 1। तो पुटिंग n इक्वल टू m इन इक्वेशन 1, देखो अगर इक्वेशन 1 में हम n की जगह पे m पुट कर दें तो यहाँ पे 2n-1 ये क्या बन जाएगा, 2m-1 प्लस यहाँ पे गामा n की जगह पे भी गामा m आ जाएगा और m प्लस n की जगह पे m प्लस m हो जाएगा। हाँ, तो चेंजेस जो जो हुआ है लिख देते हैं, 0 to π/2 sin²(2m−1) थीटा cos²(2m−1) थीटा डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा एम अपॉन 2 इंटू गामा एम प्लस एम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इसके पावर में 2m-1 है, इसके भी 2m-1 है। ओके, एक एक्सटर्नल हम एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करेंगे, 0 to π/2। ओके, एक चीज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 to π/2m−1। इसको अगर हम क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम इंटीग्रेशन सॉरी अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर, तो 2 to π
2m माइनस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा, कॉस टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा, ठीक है, देन डी थीटा। यहाँ पे देखो गामा m है, तो हम लिख सकते हैं गामा m का होल स्क्वायर बाय 2 गामा 2, ओके। यहाँ पे देखो तीनों का पावर सेम है, तो हम उसको एक साथ लिख सकते हैं 0 टू पाई बाय 2 टू साइन थीटा कॉस थीटा टू द पावर 2m माइनस 1 डी थीटा, ओके। एंड बाहर में एक है 2 टू द पावर 2m माइनस 1, इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, दैट इज गामा m का स्क्वायर बाय 2 टू द पावर गामा 2m, ओके। ये जो है दैट इसका वैल्यू क्या होता है, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं क्या, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसी को हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो 1 बाय 0 टू पाई बाय 2 साइन 2 थीटा टू द पावर 2m माइनस 1, तो 2m माइनस 1 2 थीटा, ठीक है, d थीटा इक्वल टू गामा m का स्क्वायर 1 2 गामा 2, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ assumptions लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है, बट हमने जो पहले डेरिवेशन किया था उसके फॉर्म में एक सिंगल एंगल था, ठीक है, यहाँ पे डबल हो जा रहा है, तो इसको फॉर्म चेंज करने से हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमारा फॉर्म क्या आया था 0 टू पाई बाय 2 साइन टू द पावर 2 एम माइनस 1 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा एम का स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर गामा 2m, ये था ना हमारा फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 2 थीटा है ना, 2 थीटा को हम ले लेंगे पाई, एक सिंगल एंगल के बराबर ले लेंगे, ओके। अगर हम इसको एक सिंगल ले लें सिंगल एंगल के बराबर, दैट इज लेट 2 थीटा इक्वल टू पाई, ठीक है। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी थीटा की वैल्यू निकालनी है, सो ये क्या हो जाएगा 2 डी थीटा इक्वल टू डी फाई, तो डी थीटा विल बी इक्वल टू डी फाई अपॉन 2, ठीक है। वेरिएबल्स अगर चेंज करेंगे तो हमारा जो लिमिट्स भी चेंज होगा, थीटा और फाई की वैल्यू, अगर थीटा जीरो होगा तो फाई की वैल्यू भी जीरो होगी, अगर थीटा की वैल्यू होगी पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई, तो इससे हम लोग को अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल जाता है। तो अगर हम वेरिएबल चेंज करेंगे 0 टू पाई साइन एज इट इज रहेगा 2m माइनस 1 पाई, एंड डी थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं d phi upon 2, क्या नेक्स्ट इस साइड में क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा गामा m का स्क्वायर 2 इंटू गामा 2, क्या यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो ये 2 है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और एक चीज़ था, देखो यहाँ पे बाहर में एक 2 टू द पावर 2m माइनस 1 था, 1 बाय 2 टू द पावर 2m माइनस 1, ये 2 को अगर हम बाहर निकाल देंगे, है ना, 2 को बाहर निकाल देंगे 2 टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन 2m माइनस 1 पाई डी फाई, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा
बाय टू, ये हमारा जी हमने डिराइव किया। बट एक चीज़ है कि हमारा जो प्रीवियस इक्वेशन था यहाँ पे देखो सेम आया, बस हमारा जो लिमिट्स है, लिमिट यहाँ पे अपर लिमिट था पाई बाय टू, बट जो हमने नेक्स्ट यहाँ पे डिराइव किया है यहाँ पे हमारा लिमिट आ जा रहा है पाई, तो इसको हम लोग पाई बाय टू कैसे करेंगे? ठीक है, तो इंटीग्रेशन में एक रिलेशन होता है ज़ीरो टू, सॉरी नॉट पाई, एक रिलेशन होता है ज़ीरो टू टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू टू इंटू ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, और ये कब वैलिड होता है? जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है ना, हमको ये जो लिमिट है ज़ीरो टू पाई साइन पे चेंज करना है ना, तो यहाँ पे टू ए के जगह पे हमें पाई गिवन है और एक्स के जगह पे हम लोग को फाई गिवन है ना, तो हम लिख सकते हैं फंक्शन है साइन, ठीक है, टू ए के जगह पे पाई है माइनस फाई, और सबको पता है कि अगर ये एंगल है ना तो पाई से जो 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, दैट इज साइन फाई, तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स हम यहाँ पे उस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसको चेंजेस कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा वन बाय टू टू द पावर टू एम माइनस वन इंटू वन बाय टू इंटू टू इंटीग्रेशन ज़ीरो टू पाई बाय टू साइन 2m माइनस वन फाई, क्या बचेगा डी फाई। ओके, इज इक्वल टू गामा m का स्क्वायर बाई टू गामा टू एम। यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है दिस वन, ओके, ये सिमिलर है किससे, ज़ीरो टू पाई बाय टू साइन टू एम माइनस थीटा डी थीटा, डिफरेंस क्या है बस एंगल का, ये है थीटा और हमने जो वहाँ पे निकाला है वहाँ पे क्या दिया गया है फाई, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो आंसर है इसमें थीटा और फाई दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों का जो RHS सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम फॉर्म में है, तो हम उसका आंसर में भी एग्जैक्टली सेम चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे गामा एम इंटू रूट पाई अपॉन 2 इंटू गामा ऑफ m प्लस 1 बाई टू, तो हम जस्ट इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं गामा m रूट पाई अपॉन 2 इंटू गामा ऑफ m प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, बाकी रेस्ट एज इट इज रहेगा, ये 2 2 ये जो कैंसिल हो जाएंगे तो इस साइड में क्या बचेगा 1 अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू दिस, एंड राइट हैंड साइड में रहेगा गामा m का स्क्वायर बाई 2 गामा ऑफ 2m। तो यहाँ से जो जो कैंसिल हो जाएंगे उसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो 2 विल बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे गामा m है, गामा m का स्क्वायर है, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपने को मिलेगा, ठीक है, रूट पाए अपॉन टू टू दी पावर टू एम माइनस वन। ठीक है, ये जो है गामा टू एम को इस साइड ले आएंगे, गामा टू एम इक्वल टू गामा एम प्लस वन बाय टू को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गामा एम इंटू गामा एम प्लस वन बाय, ये हम लोग को एक रिलेशन मिल रहा है एंड दिस रिलेशन इज नोन एज डुप्लीकेशन रिलेशन, एंड ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है गामा एंड
बीटा फंक्शन डुप्लीकेशन ओके। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज जो भी पढ़ाई हुआ, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।